इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में साइबर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। अपराधियों ने महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 1,00,000 रुपए वसूल लिए। व्हाट्सएप पर इस तरह की ठगी का यह पहला केस है। अपराधियों ने RBI का फर्जी नोटिस भी जारी कर दिया था। अपराध शाखा की साइबर सेल इसकी जांच में जुटी है। सेल ने एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। एडिशनल DCP अपराध राजेश दंडोतिया के मुताबिक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके पास फेडेक्स कोरियर फर्जी से ऑटो रिकॉर्डेड कॉल आया था। आरोपितों ने महिला से बात की और कहा उनके द्वारा ताइवान भेजा पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है। पार्सल में ड्रग, 5 फर्जी पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड निकले हैं। आरोपितों ने कहा यह गंभीर मामला है, इसमें गिरफ्तारी भी संभव है। महिला ने पार्सल भेजने से इनकार किया तो आरोपितों ने स्वयं को फाइनेंस डिपार्टमेंट से सत्यापन करवाने का झांसा देकर आधार कार्ड और अन्य प्रकार की निजी जानकारी मांगी। थोड़ी देर बाद फर्जी RBI अफसर से बात करवाई और कहा कि इस आधार कार्ड से कई संदिग्ध बैंक खाते लिंक है, उनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। खातों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। थोड़ी देर बाद महिला को RBI का जाली नोटिस भेजा, जिसमें DCP साइबर मिलिंद भरांबे, क्राइम ब्रांच कमिश्नर नितिन पाटिल, जॉर्ज मैथ्यू और पूर्व IAS शक्तिकांत दास का नाम लिखा था। नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होने की धमकी दी गई थी। आरोपितों ने जांच और पूछताछ के लिए वीडियो कॉल कर दिया। उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और करीब 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर निगरानी में रखा। बैंक खाते का सत्यापन करने के लिए आरोपितों ने फर्जी खाते में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद बुधवार को पीड़िता अपराध शाखा पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस उन नंबरों की जांच कर रही है जिससे कॉल आए थे। जानकारी के अनुसार जिस खाते में रुपए जमा हुए उसकी भी जांच चल रही है। डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए थे उसमें स्काइप पर वीडियो कॉल पर लेकर उसके साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें कि व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट किया गया है। इसमें इनके पास से व्हाट्सएप पर कॉल आया था और उसको बताया गया कि हम क्राइम ब्रांच मुंबई से बोल रहे हैं और आपका जो एक पार्सल था उस पार्सल में MDMA ड्रग्स निकला है जो कि ताइवान जा रहा था और उसमें ड्रग निकला है और आपके जो 5 इसमें जो कार्ड निकले हैं जिसमें सब वो कार्ड फर्जी हैं। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है नंबर बताया उसने, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर आए, उसको वीडियो कॉल पर रखा और लगभग 6 से 7 घंटे उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और उससे डरा धमका कर 1,00,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ये बोलकर के अकाउंट में सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना होगा, RBI की गाइडलाइन है जिससे कि हम उसको जांच करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजेक्शन का पैसा तो नहीं है। अगर इलीगल होगा तो आपको वापस नहीं होगा, अगर लीगल होगा तो हम जांच के बाद वापस कर देंगे। फिर जब लड़की को शक हुआ तो उसके द्वारा फिर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई है। व्हाट्सएप के द्वारा डिजिटल एडवाइजरी ठगी का मामला, अरेस्ट का मामला ये पहली बार सामने आया है। इसमें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और इसमें सभी को इसमें एडवाइजरी के माध्यम से बताया जा रहा है किस तरह से इससे बचाव करना है, किस तरह से डिजिटल अरेस्ट से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे।